हाय प्रिवान, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल वीडियो है। ये है सीए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो लोग सीए बनने चाह रहे हैं या सीए कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। बिकॉज सीए कोर्स इज़ नाउ मोर टफ, सीए बनना हो गया है मुश्किल, क्योंकि एक अनाउंसमेंट आई है 12 जून 2018 को। ICAI ने की है अनाउंसमेंट, असेसमेंट ऑफ सीए स्टूडेंट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो सीए कोर्स पहले ही इतना टफ था, इसे बना दिया गया है और भी मुश्किल। तो आपको डिटेल में बताऊंगी क्या अब करना होगा, क्या चीज़ें ऐड हो गई है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ। जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने ओपन की है जो सीए अनाउंसमेंट आई है 12 जून 2018 को। पढ़ते हैं डिटेल में, समझते हैं क्या अब होगा। असेसमेंट ऑफ सीए स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो सब्जेक्ट से हमें पता चल गया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पहले साल या दूसरे साल के कंप्लीशन पर असेसमेंट होगी अब सीए स्टूडेंट की। बहुत बड़ा झटका है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप क्या सीख रहे हैं ये जानना चाहता है इंस्टीट्यूट। द काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू असेस स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद ऑनलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट। तो कैसा टेस्ट होने वाला है? ऑनलाइन होगा। तो ये अच्छा रिलीफ है कि एटलीस्ट टेस्ट ऑनलाइन होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो टेस्ट आपको देना है। दीज टेस्ट वुड एग्जामिन द नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो यही जानना चाहता है इंस्टीट्यूट, आपने ICAI की ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा है। अब उन लोगों को दिक्कत होगी जो ले लेते हैं डमी ट्रेनिंग। And his ability to apply his subject specific skill while undergoing his training in that particular area. The brief detail about these tests are below. तो टेस्ट क्या होगा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट वुड बी ऑफ 75 मार्क्स, ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो जो पहले साल का जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उनका 75 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स। The students completing their first and second year of practical training in a particular quarter of a year would be eligible to register for the SAD test in the subsequent quarter. तो क्वार्टर वाइज ये देखेंगे, जैसे ही आपका पहला साल खत्म हुआ तो उसका जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून क्वार्टर है जैसे, तो उसी के सब्सिक्वेंट क्वार्टर में आप एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्टर करने के लिए। यहाँ नीचे इन्होंने समझाया भी है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट विल बी असाइंड ग्रेड्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द असेसमेंट एज बिलो। कैसे असाइन होंगे ग्रेड? 80% एंड अबव अगर आप लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ए ग्रेड तभी मिलेगा जब 80% एंड अबव लेंगे। 60% एंड अबव बट बिलो 80% होगा तो बी ग्रेड, और 40% एंड अबव बट बिलो 60% होगा तो सी ग्रेड, एंड बिलो 40% होगा तो डी ग्रेड। द ग्रेड वुड अपीयर ऑन अ फाइनल मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट। अ स्टूडेंट कैन अपीयर इन पर्टिकुलर टेस्ट एट अ मैक्सिमम ऑफ 2 more times टू इम्प्रूव हिज और हर ग्रेड बाई पेइंग अ नॉमिनल फी। तो आपको 2 और चांस दिए जाएंगे। मान लीजिए पहली बार में आपने पेपर दिया, ग्रेड अच्छे नहीं आए, तो आपके पास 2 और चांस होंगे इम्प्रूव करने के अपने ग्रेड को। थोड़ी सी फीस लगेगी। द बेस्ट ग्रेड आउट ऑफ ऑल द ग्रेड स्कोर्स वुड बी टेकन फॉर इंक्लूजन इन द मार्कशीट। चलो अच्छा रिलीफ है कि अगर आपने 3 बार दिया है और जो बेस्ट ग्रेड होगा 3ों बार में उसे आपकी मार्कशीट पर दिखाया जाएगा। इन द टेस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ ऑफ 50 मार्क विल बी मैंडेटरी। तो जो हमारा कोर है अकाउंटिंग एंड ऑडिटेड विद कॉर्पोरेट लॉ, उसका 50 नंबर का पेपर तो आएगा ही आएगा। एंड स्टूडेंट्स वुड बी सिलेक्टिंग 1 optional module एट फर्स्ट लेवल टेस्ट एंड 2 optional module एट सेकेंड लेवल टेस्ट रिलेटेड टू देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन एरिया। और फिर नेक्स्ट जो 25 नंबर का या 50 नंबर का पेपर है उसके लिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं फर्स्ट लेवल टेस्ट में 1 optional module और 2 optional module एट सेकेंड लेवल टेस्ट। तो ऑप्शनल मॉड्यूल भी इन्होंने बता दिए हैं जो हैं यहाँ पर, 25 नंबर का हर एक मॉड्यूल है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इंटरनल ऑडिट, और सेकंड ईयर वालों के लिए है डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनल ऑडिट। इसमें से आपको चूज़ करना होगा बाकी का 25 या 50 नंबर का पेपर, क्योंकि 50 नंबर का तो कंपलसरी ही है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ। द फर्स्ट
टेस्ट फॉर बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट विल बी ऑन 26 अगस्त 2018। तो पहला टेस्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया, जिन्होंने एलिजिबल कर लिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए हैं, उनका पहला टेस्ट होगा 26 अगस्त 2018 को। द स्टूडेंट्स हु वुड बी कम्प्लीटिंग देयर फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2018। तो सेकेंड क्वार्टर कौन सा है? 2018 का अप्रैल मई जून, जो इस क्वार्टर कंप्लीट कर रहे हैं अपना फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनको अपीयर होना है अब इस एग्जाम में ड्यूरिंग दिस असेसमेंट्स अगस्त टू दिसंबर 2018। सिमिलरली द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट सेकेंड ईयर ड्यूरिंग July to September 2018 वुड रिक्वायर टू अपीयर इन October to December 2018 क्वार्टर एंड सो ऑन। तो क्वार्टरली ऐसे ही चलेगा, इसी तरह से प्रोसेस चलेगा आगे फ्यूचर में। कंसर्न स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रैक्टिस द सैम्पल क्वेश्चन अपलोडेड इन BOS नॉलेज पोर्टल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एट दिस लिंक। तो लिंक दिया है, सैम्पल क्वेश्चन भी दिए हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अभी लिंक पे क्लिक करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। फर्दर डिटेल्स वुड बी होस्टेड थ्रू अनाउंसमेंट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट ओनली फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए आप राइट कर सकते हैं PTAssessment@ICI.in पर। चलिए लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास लेवल वन में आ गया अकाउंटिंग ऑडिटिंग डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इंटरनल ऑडिट, और लेवल टू के लिए अकाउंटिंग ऑडिटिंग डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये सभी लिंक दिए हैं। चलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हैं, सजेस्टेड मॉड्यूल्स दिए हैं, आप इनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सभी के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। तो CA स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों को और भी टेस्ट क्लियर करने हैं बिकॉज CA इज़ नाउ मोर टफ, बट आप लोग कर लेंगे। अगर अपनी ट्रेनिंग आप अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे, घबराइएगा मत। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CA कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।